अपॉर्चुनिटी एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू. आज का छोटा सा जो इवेंट रखा है हमने फॉर रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन फॉर द टीम हु इज द बैकबोन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हु इज द फेस ऑफ द कंपनी हु इज डूइंग एंड वर्किंग सो हार्ड कि उनकी आज रिकॉग्निशन दिखाई जाए कि उन्होंने सारे साल क्या किया, सारे साल परफॉर्म किया, सारे साल उन्होंने मेहनत करी. बिकॉज ये जो टीम होती है ना, ये जो टीम होती है, इस टीम की है जो हमें नजर नहीं आता बट उसका काम बहुत इम्पोर्टेंट होता है. सो दिस इज व्हाट द मेन पर्पज ऑफ दिस टीम. थैंक यू. सो एक छोटी सी प्रेजेंटेशन बनी हुई है. विवेक बत्रा इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर लीडरशिप कंसल्टेंट आपका स्वागत करता हूं. नया फॉर्मूला लेके आया हूं, बी क्यूब. आज का फॉर्मूला है बिलीव. हम सब काम करते हैं बट हमें भी मौका मिलता है कि हम उन लोगों को शोकेस करें, उन लोगों को रिवॉर्ड दें कि जिन्होंने एक्स्ट्रा एफर्ट्स किए अपने कियारे से हटके, अपने कियारे से और एक्स्ट्रा काम करके कि हमें लगे कि इनकी परफॉर्मेंस में 100% से ज्यादा एफर्ट किए गए हैं. जैसा कि मैडम ने बताया कि एक आज का जो दिन है, आप सब लोगों का जो भी प्रयास है उसको प्रोत्साहित करने का एक मौका है हमारे पास. काम के बारे में तो हम हमेशा बात करते हैं लेकिन जो आप लोग अच्छा काम करते हैं उसको हम आज प्रोत्साहित करेंगे. और मैं और अभी क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास टाइम का थोड़ा सा जो है लिमिटेड लोगों को, तब से मैनेजमेंट का धन्यवाद करना चाहूँगा. हमारे पास आते रहते हैं अपनी ट्रेनिंग्स देने, हाउसकीपिंग को ट्रेनिंग देने, हमारी पैंट्री को ट्रेनिंग देने, कभी फायर के ऊपर, कभी किसी के ऊपर. सो मैं भी इनकी ट्रेनिंग्स देख रही होती हूँ कि क्या क्या ट्रेनिंग्स देते हैं. सो आई ऑल्सो गेट सो मच ऑफ लर्निंग फ्रॉम यू. थैंक यू सो मच. एंड थैंक यू मैम. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स मोपन मैनेजमेंट एंड रितु मैम, मेरे को यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका. बहुत अच्छा लगता है, ये बहुत अच्छा एक मौका होता है आपको एक शोकेस करने का, आपको आपकी चीज़ें बिहाइंड द सीन क्या है उसको शोकेस करने का. और मैं बहुत अच्छा से अरेंजमेंट देख रहा हूँ रितु मैम का, इतना अच्छा मैम अरेंजमेंट यहाँ पर रहा है. एंड रियली थैंक्स एंड द मैनेजमेंट एंड टीम. थैंक यू मैम. मैनेजर फैसिलिटी मैनेजर जो हमारे यहाँ पे विजिट पे आते रहते हैं एंड चेकिंग करते रहते हैं. सो कुछ आपके गुड इवनिंग एवरीबॉडी सर एंड आप सभी को भी मेरा नमस्ते. देखिए हम लोग वो प्लेयर है ना, हम लोग वो जो दिखाई नहीं देते कहीं भी नहीं दिखते. जब ये बिल्डिंग बनाई जा रही होगी तो इसके नींव कैसे पड़ेंगे, वो कैसे होगा, कुछ और कोई प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ नहीं होता. लेकिन पूरी बुनियाद उसकी उसी पे रहता है. तो हम ये नहीं कह रहे कि आप इसके वजह से आप अपने अंदर की ईगो लाओ, नहीं, उस पे अपना एक स्वाभिमान ये लाओ. लाइक टू इनवाइट विनोद टू प्लीज कम एंड हेल्प अस. नेक्स्ट लेवल पे पहुंचना, नेक्स्ट लेवल से उससे नेक्स्ट लेवल पे, कि हम इसी लेवल पे लगे हैं कि ग्रो करना. सो ग्रो करने के पीछे आपके अंदर क्या जुनून होना चाहिए, क्या फोकस होना चाहिए, लाइफ में करना क्या है. बिकॉज इसी लाइफ को 25 साल 30 साल सेम लेवल पे तो नहीं रहना ना, तो सेम लेवल से आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए और किस तरीके से आप उस चीज़ को किसी से सीख. यहाँ से बहुत लोग आगे बढ़े हैं, आपके सामने एग्जाम्पल्स हैं जो असिस्टेंट लेवल पे गए हैं. दैट इज द मेन क्राइटेरिया बिहाइंड यू गॉट दैट. है कि आपको शो केस अगले के लिए करना है तो परफॉर्म मच मोर देन दैट. तो आपको भी लगना चाहिए कि अगली बार मुझे मिले. ये तो गारंटेड तौर बन जाएगी, तो हो गई सबके पास. गुड जॉब. आई थिंक इट इज़ अवर ड्यूटी टू मोटिवेट देम. और सबसे बड़ा जो काम है जो मेरे माइंड में आ रहा था वर्ड, ऑफकोर्स इतना कुछ बोला गया है, सबसे बड़ी बात यह है कि जो आप तो काम करते हो उसको उसको मिला के बढ़ेंगे, आई थिंक वही एक सबसे बड़ा काम है. तो मैं तो कहूँगा इस चीज़ का कोई मुकाबला नहीं है. जितनी भी आप सेवा कर रहे हो करते जाओ और करते जाओ और करते जाओ,
लेट मी जस्ट टेल यू कि इसके पीछे डे एंड नाइट एफर्ट किया गया है एंड इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन, इन अ वेरी वेरी शॉर्ट स्पैन. जब मेरी नाजिम जी से बात हुई, हमने जैसे लास्ट मंथ करना था बट हमारा कुछ कुछ चल रहा था, तो मैंने कहा ठीक है नेक्स्ट मंथ करेंगे, बट कोई प्लान नहीं था कि डेट क्या करनी है. बस माइंड वो काम करना शुरू हो जाएगा, अब मुझे क्या प्लानिंग करनी है, तो जस्ट कनेक्ट दी डॉट्स. वो जब डॉट्स कनेक्ट शुरू हो जाते हैं ना, तो कनेक्शन अपने आप बन जाता है. टॉप फॉर यू ऑल गाइज एंड आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू. राइट, थैंक यू.